है। देखिए, इसके दो कारण हैं। सीधे तौर पर ऐसा लगता है कि एक तो या तो कांग्रेस का आलाकमान कमज़ोर है या उस आलाकमान को इस बात का इल्म नहीं है कि, लेकिन हमारी चिंता दूसरी है। ये जब सरकार में आए थे 2018 में तो दो व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाओं की यहाँ शुरुआत हुई और वो विग्रह तक पहुँची और इतना विग्रह हुआ कि 42 दिन सरकार को पूरी बाड़ाबंदी में रहना पड़ा, PCC के चीफ को और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करना पड़ा, राजद्रोह तक के मुकदमे दर्ज हो गए। तो कुल मिलाकर जब कोई सरकार कमज़ोर होती है तो हमारी चिंता यह है कि इसका असर सीधे सीधे 2.5 साल में राजस्थान की जनता पर पड़ा और जिस कोरोना के कुप्रबंधन की मैं बात कर रहा हूँ, इसी विग्रह के कारण जब सरकार कमज़ोर होती है तो रिलीफ नहीं दे सकती, राहत नहीं दे सकती। तो मुझे पता नहीं कि ये इनका अंतर्विरोध और अंतर्कलह इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन राजस्थान की जनता के 2.5 साल निश्चित रूप से इस झगड़े में खराब हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई ज़माना था जब कैडर की पार्टी थी, फिर हम लोग चुनावी राजनीति में आए, सफलता मिलनी शुरू हुई तो हम कैडर बेस्ड मासेज की पार्टी हुए। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग दूसरे दलों से भी आए जिनका हम लोगों ने स्वागत किया, लेकिन राजनीति में आंशिक रूप से कुछ जो विकृतियां होती हैं उसके कारण कई बार हमें अनुशासन की कार्रवाई भी करनी पड़ी, कई बार परिस्थितियों के तौर पर नए लोगों को भी जिम्मेवारी देनी होती है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं दूसरे दलों से या संगठनों से कंपेयर करूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज भी स्वाभिमानी भी है, परिश्रमी भी है, नेता जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता मिलकर काम करते हैं और इसी का नतीजा है कि हम 3 से शुरू हुए थे, 303 तक पहुंचे, राजस्थान में कभी सत्ता की कल्पना नहीं कर सकते थे वहां तक पहुंचे। इस तरीके के कुछ एक्सेप्शनल कुछ चीज़ें होती हैं, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन ये राजनीति का एक छोटा सा चरित्र है। पर भारतीय जनता पार्टी इससे अछूती है, मैं इससे भी इनकार नहीं करता, लेकिन यदि कोई ऐसी चीज़ें होती हैं उनको हम लगातार कोशिश करते हैं कि हमारी जो पार्टी की समन्वय समिति है वो ठीक तरीके से फैसले करे और आगे चले। ये सब आप लोगों का ही पैदा किया हुआ है, मतलब बुरा मत मानिए जी। ये आजकल एक तो सोशल मीडिया हो गया, मैं देखता हूँ कि पहले राजनीतिक दलों को नेताओं को सहूलियत थी कि कोई भी चीज़ ऑथेंटिक तरीके से और बहुत रेयर उपलब्ध होती थी। सोशल मीडिया पे कोई चीज़ चलती है वो मल्टीप्लाई होती है, मीडिया के जरिए जनता के बीच में जाती है। पोस्टर कैसे छपते हैं, क्यों छपते हैं, उसका प्रोटोकॉल क्या है, किसी को ही नहीं पता होता है। ये पार्टी की अपने एक निश्चित सी व्यवस्था है, उसमें कई बार कार्यक्रमों के हिसाब से भी उसकी रचना होती है, लेकिन आमतौर पर जो प्रोटोकॉल बना हुआ है, कई बार जब पोस्टर लगा होता है हटता है तो उसकी चर्चा होती है, कई बार कोई नया लगता है तो भी चर्चा होती है, उस पर बहुत सारी बातें हो चुकी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए इतना बता सकता हूँ कि जहाँ जहाँ पार्टी की सरकारें होती हैं वहाँ मुख्यमंत्री का, अध्यक्ष का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, प्रधानमंत्री जी का एक सेट परफॉर्म है वो लगता है, जहाँ विपक्ष में वहाँ विपक्ष के नेता की और प्रदेश के अध्यक्ष की फ़ोटो लगती है, कार्यक्रमों के लिहाज से जो भी लोग शिरकत करते हैं उनकी फ़ोटो लगती है। दूसरा, हम यदि किसी की हैसियत से आकलन करें तो हमारे यहाँ भूपेंद्र यादव जी राष्ट्रीय महामंत्री हैं, गजेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं, तो एक लंबी सी फहरिस्त है और इस लिहाज से केंद्र ने जो एक फॉर्मेट तय किया मोटे तौर पर उसका पालन सब लोग करते हैं। हमारे यहाँ नेताओं का सम्मान है, उनकी एक अपना वजूद है, लेकिन इस तरीके की चीज़ें ये नीचे के तौर पर सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों के जरिए चर्चित होती है, पार्टी के भीतर इस चीज़ को लेकर किसी तरीके का विवाद नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने किसी ज़माने में कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अलग है और मुझे लगता है कि कल जयपुर में नेता प्रतिपक्ष ने भी, हम लोग भी कह चुके हैं कि नेतृत्व का फैसला पार्टी का आलाकमान करता है। वो आलाकमान मान लीजिए कल देवनानंद जी को तय कर देगा तो हम इनके पीछे चलेंगे। तो हम लोग आलाकमान, अब देवनानी जी खुद बन जाए उसका तो मैं कहीं नहीं कह सकता, लेकिन एक उनका सवाल। तो मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ नेतृत्व को लेके
जो मैंने कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया ये एक बड़ा कारक है जिसकी चर्चा होती है। पार्टी के भीतर इस तरीके का किसी तरीके का मतभेद नहीं है, क्योंकि सब नेता और कार्यकर्ता जानते हैं कि आलाकमान या पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसको नेता तय करेगा वो चुनाव से पहले भी कर सकता है और चुनाव के बाद भी कर सकता है, हम उसके पीछे चलेंगे। रही बात बयानबाजी की, तो उसमें एक लाइन सीधी सीधी ये है कि इस तरीके से पार्टी के फोरम के बाहर बयान देना, इसमें व्यक्ति खुद का भी नुकसान कर रहा है और पार्टी का भी कर रहा है, और इससे बचने की हम लोग एक नैतिक सलाह उनको देते हैं। ठीक है साहब।